राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित कई मंत्री वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। शिवराज कैबिनेट में कई फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी देते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार नगर पंचायतों व नगर पालिकाओं को बिजली सब्सिडी के लिए 12 करोड़ की राशि देगी। इसके अलावा 6 माह के अंदर किसानों को 6 माह के अंतर्गत 2200 करोड़ बीमा प्रीमियम की राशि एवं 4600 करोड़ की राशि किसानों को राहत देने का फैसला किया गया है। 20,000 करोड़ किसानों के खातों में अभी तक सरकार द्वारा डाला गया है। जो हमारे यहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में बिजली के लिए सब्सिडी दी जा रही थी, चूंकि नगर पालिकाओं की हालत अच्छी नहीं और पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उसने कुछ दिया नहीं, इसलिए तय किया 11.85 करोड़ और भी जो राशि लगती है वो राशि बिजली के लिए इनको दी जाए। 6 माह के अंदर जो किसानों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं उसकी भी जानकारी दी गई कि 2200 करोड़ रुपए आते ही हमने प्रीमियम बीमा के राशि जमा करके पहले 3100 करोड़ दिलवाया, फिर 4600 करोड़ रुपया बीमा की राशि किसानों के खातों में पहुंचाई। राहत राशि 4000 करोड़ की, ये भी किसानों को बटना है। 0% ब्याज का 800 करोड़ रुपया जमा किया है। 3280 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री कल्याण कोष के एक किस्त डाल दी और धीरे धीरे पूरे के पूरे किसानों के खाते में पहुंचना है। 1600 करोड़ रुपया पहली किस्त के प्रधानमंत्री कृषक कल्याण योजना है उसके पहली खाते में आ गए और दो किस्तें और आना है। ऐसे 16 दूनी 32 16 3 48 करोड़ रुपया किसानों के खाते में मध्य प्रदेश के अंदर आएगा। 30,000 करोड़ रुपया अभी तक मध्य प्रदेश में किसानों के खाते में राज्य सरकार के द्वारा डाला गया है। ये बात उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जो झूठे कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं। वो अभी तक कुल पूरे 15 महीने के कार्यकाल में 4000-5000 करोड़ की बात कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपया तो किसान के खाते में 6 महीने के अंदर पहुँचा दिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गरीबों को पैसा दिया गया है, प्रवासी मजदूरों को दिया गया है, गेहूँ चावल नमक प्रति व्यक्ति को पहुंचाने की कोशिश की, वेंडरों को 10,000 रुपया, 1.5 लाख लोगों को लोन उनका सेंक्शन कराया है, 1 लाख जल संरचनाएं मनरेगा के तहत इस प्रदेश के अंदर बनाई गई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।